नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल आपके साथ। और अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको खबर दिखाई थी सेक्टर 62 से, जहां एक महिला की चाकू से गोद कर हत्या कर दी जाती है। और हम अब पहुंचे हैं उनके घर पर, गांव छाए से। देश क्या हाल है इनका, रो रो कर जिसकी बेटी मार दी जाए उस पर क्या बीतती है वो आप समझ सकते हैं। इन्हें डॉक्टर के पास ले जाया जा रहा है, ये बेहोश हो रही है बार बार तब से, और इनकी हालत खराब है, ये आप साफ देख रहे हैं। घर पर पहुंचे हैं, हमारे रानी के घर पर पहुंचे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको सेक्टर 62 जहां रानी रहती थी वहां से दिखाया था, जहां रानी की हत्या कर दी गई थी। और अब हम पहुंचे हैं रानी के घर पर कि किस तरह से, ये देख सकते हैं परिवार का क्या हाल है, रो रो कर परेशान है। और अभी बात करने की हालत में नहीं है, लेकिन बात करेंगे किसी से कि क्या हुआ था, कैसे कुछ बता सकते हैं क्या? कुछ ना, कुछ नहीं, बिल्कुल जी। इसीलिए हम भी वहां से आए इतनी दूर से कि ऐसा कैसे हुआ और किसने किया है कुछ पता तो लगे, ताकि वो पकड़े जाए। जो कि ये देख सकते हैं, हाँ, क्योंकि पता लगे ताकि वो तो पकड़े जाए। अच्छा, यहाँ और कुछ नहीं, किसी को पता कोई? हाँ, ये घर से हैं, एक बार बात करेंगे इनसे। ये देख सकते हैं, ये कौन लगती है रानी की जी? आप उस समय नहीं थे क्या? आप कहाँ थे उस समय? पापा के पास। पापा के पास तो आपको कब पता लगा? मेरे पास मैसेज आया था, उसमें लिखा था कि राकेश आपकी वाइफ का मर्डर हो गया है। उसके बाद फिर फोन करा था, फोन पे पापा ने बात करी तो उन्होंने बोला कि आपकी वाइफ का मर्डर हो गया है, आप बल्लंग पर आ जाओ। इतना ही बोल के फोन काट दिया। तो यहाँ कौन कौन रहता था सेक्टर 62 में? मेरे मम्मी, मेरे भाई। अच्छा, ये दोनों जन अकेले रहते थे यहाँ? भाई क्या करता था? मेरा भाई अकेडमी गया था, पढ़ता था? नहीं, कराटे सीखता था। अच्छा, कराटे सीखता था, तो इसलिए माँ वहीं रहती थी उसके पास, और आप पापा के पास रहते थे। तो कुछ पता नहीं लगा क्या? भाई ने भी नहीं बताया कि कौन थे क्या थे, कुछ पता नहीं लगा अभी तक? तीन लोग थे मेरी मम्मी। हाँ बताओ, जो भी है। एक का नाम गौरव, एक का, दोन का नाम पता नहीं। अच्छा, गौरव कौन है, जानते हो उसको? इनके चाचा ससुर का लड़का। अच्छा, तो कोई पहले उससे कोई लड़ाई झगड़ा था, क्या था उनका? कुछ नहीं था। आप देख सकते हैं ये घर का ही मामला है, और ये बेटी है उसकी जो बोलने की हालत में नहीं है, और इनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम आपका? शिवानी। तो क्या हुआ था वो एक बार बता दें, कभी कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ हो या क्या था? नहीं, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ था। हाँ। हमारे भाई का फोन आया था सांझ को कि मम्मी की तबीयत खराब हो गई है, चाकू पाकू मार दिए। फिर मैं वहाँ पे गई हूँ, मैं रहती हूँ सुनपेर गांव। अच्छा। ये मेरा ससुराल है सुनपेर। मैं अपनी मम्मी के यहाँ पे आई हूँ 62 राठौर मार्केट। मैंने पूछा मम्मी से कि मम्मी क्या हुआ, मम्मी ने कुछ नहीं बताया। मैंने अपने भाई से पूछा, भाई बता, मम्मी ने कुछ बताया है कि हाँ गौरव का नाम लिया है, मेरा जेठानी का लड़का है, हाँ नंद। तो ऐसा क्या हुआ, कभी कुछ कोई बातचीत हुई थी, कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं, कुछ भी नहीं। क्योंकि इस तरह से कहीं घर में जाकर घुसकर और मारना और चाकू से, जैसा क्यों? सुसाक दी थी किसी ने, वो भी पकड़ी गई है। तो वहाँ हम गए थे जहाँ ये रहते थे, वहाँ मकान मालिक ने भी कहा था कि कई बार मतलब चाकू से बहुत बहुत गोदा है, ये नहीं कि एक आध लगे, 12 चाकू और सिर में डंडा लगे। हाँ, नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, पता नहीं। अब किसी ने सुसाग दी थी, कुछ बताओ माना किसी को, बेटे को या कुछ? नहीं नहीं, कभी पहले कभी कहा हो कि कुछ ऐसे कोई बात कही? एक जनानी से लड़ाई हुई थी, वो पकड़ी गई है। गीता कौन है बाबा? हाँ कह दे गीता, वो पकड़ी गई है, वो हॉस्पिटल, वो अस्पताल वहाँ है, पुलिस थाने। वो जो गीता रहती है तो वो भी कहीं आपके उधर की है क्या? पलवल की है। अच्छा। हाँ। वही ने चैलेंज दिया कि तो ना रहन दूंगी, तो मार दूंगी जानती।
बर्बाद। हाँ लेकिन वो नहीं पकड़े गए अभी? नहीं वो नहीं पकड़े गई, नहीं पकड़े गए। देख सकते हैं कि परिवार है और यहाँ लोग मौजूद हैं। कितने बच्चे थे जिनके? ये देख सकते हैं किस तरह से हालात हैं, बेहोश हो रहे हैं। और सबसे बड़ी मैं चाची हूँ उसकी। अच्छा। और ये जो गई अभी मोटरसाइकिल, सबसे बड़ी बहन, सबसे बड़ी बहन है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ उनकी बेटी और घर परिवार के हैं जो चाची हमारे साथ हैं। तो कभी कुछ कहा नहीं था ना, कभी कोई बातचीत ऐसी? सर कोई बात ही ना ही। मैं बल्लमगढ़ में रहती हूँ, मैं भी मेरे पास गई है एक महीना, कोई ऐसी कोई बात ही नहीं। उस औरत को भी मेरे यहाँ घर पे ले गई हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। मान कोई बीच में थोड़ी बहुत लड़ाई बाजी की गई, जब उसने चैलेंज दिया हुआ है कि तुझे मरवा के छोड़ूंगी। और जो लड़का परसों आए ना, उसी ने घर बताया हुआ है, उसी ने एड्रेस बताया घर को। परसों घूम के गए, घर को देख गए और कल तो खत्म कर दिए। वो तो ये जो मारा है तो वो गौरव था उसमें या फिर ये कोई और थे? संग दो लड़का और है। हाँ अपने बेटा बता गई, बेटा को यही बयान कर गई बस, कह मम्मी क्या हुआ ऐसे कहिए, मम्मी क्या हुआ, कह मैं गौरव ने मारी हूँ, गौरव के संग दो हो रहे हैं, दो हो रहे हैं। हाँ तीन लड़का है, तीन इन ने मारी है। ये देखो आपके दिन दहाड़े, वो चार पाँच बजे की बात है, कोई चार पाँच बजे तो पौने पाँच बजे की बात है सर। हाँ यही है, क्योंकि नीचे जो वो थे मकान मालिक भी थे, वो भी बीमार है। मकान मालिक चला गया, स्टाफ छोड़ने IMT में आ गया। ये पीछे से उस लड़की औरत ने घुसाया, रीता नाम की ने। ये पूरी रैकी करके काम किया है, पूरी जांच पड़ताल के साथ कि कब कौन होता है कौन नहीं होता है। वो 10 दिन से जांच कर रहा है, कब अकेली मिले, कब अकेली मिले। परसों अकेली देखी भी है उसने, परसों के दिन वो कीर्तन में से आई है लड़की हमारी, वो परसों दीवान जांच लेकर अकेली है। अब रीता ने सब एड्रेस दे दिया अकेली है, जब अकेली करके मारी है वो। बालकोनी में भगी डोली है, मछली की तरह तड़पी डोली है सर, ऐसे मारी है वो। 25 चक्कू में मेरा लड़का बता रहा, 25 चक्कू। बात तो मकान मालिक बता रहा था कि चक्कू बहुत ज्यादा लगे, 25 यहाँ सीने पे, यहाँ सीने पे 25 चक्कू है। और उस समय लड़का भी नहीं था तब घर में? वो तो मास्टर लेके आया उसे। किस तरह से छोटे तीन बच्चे, तीन बच्चे, ये की शादी कर दी है, ये वो लड़का भी सी थी एक बराबर, बस उस लड़के की शादी कर दी, बाकी एक लड़का लड़की है। लड़का लड़की की करिए, दो बच्चा है भाई, एक लड़का और लड़की। इतनी बड़ा लड़का भी ज्यादा भरकम ना है, छोटा सा ही है। रानी के दो बच्चे हैं? रानी के तीन बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं। लड़की लड़का अब चलो दाग लगाने को, वो भी 11-12 साल का, ये ज्यादा भरकम नहीं है, छोटा ही है, छोटा ही है सर। हाँ सर छोटा ही है। तो अब पुलिस क्या कर रही है? पुलिस से कोई रीता नाम की तो पकड़ ली है CBI ने, अब वे हाथ नहीं आ रहे, वे नहीं आ रहे सर। हाँ वहाँ कोई CCTV कैमरा भी नहीं था जिससे पता लग जाए? गली में है 62 में सेक्टर एरिया है, कैमरा जरूर होगा, आस पास होगा, लेकिन वहाँ मैं भी गया था अभी, वहीं से उस घर में नहीं है, आगे बगल वाले घर में कही है। वो बता भी रहे थे, कह रहे थे कि वो नीचे जब वापस आया है लड़का, वो पहले अंदर घुसे हैं तो उन्होंने कहा है कि आवाज लगाई है, तो उसने अंदर से पूछा कौन हो, कह रहा है कि मैं हूँ, कि मैं कौन, कि मैं मौसी से मिलने आया हूँ, ऐसे उसने बोला है कि मौसी से मिलने आया हूँ। और फिर जब वापस ऊपर से आए हैं तो उन्होंने नीचे आवाज लगाई कि वो देख लो कुछ हो गया, ऐसे कह के गए। जूता भी रह गए उसके, वो जूता भी पड़े वहीं पे, ऐसे ऐसे खून के बोटा पड़े फ्रिज के जोरे बालकोनी में। मेरी बहन आके कर दिए चल्ली चल्ली, मेरी बहन ऐसे कुत्ता ने, मेरी बहन जैसे मारी ऐसे मरने चाहिए, वे ऐसे ही मरने चाहिए, उनकी छाती में ऐसे ही कोबड़ा खुलने चाहिए जैसे मेरी बहन के गोरे उनने। मेरी बहन देख सकते हैं परिवार में क्या हाल है, मातम छाया हुआ है पूरा, जो बहन है बच्चे हैं वो किस तरह से परेशान है। और जैसा कि बता रहे थे कि जो लेडीज थी वो भी पकड़ी गई है, और बाकी जो दो तीन लोग बता रहे हैं वो तीनों लोग अभी फरार हैं, पुलिस जांच कर रही है, उनको भी पकड़ेगी। ये देख सकते हैं ये फोटो है रानी की जिसके हत्या कर दी गई है। कितनी उम्र होगी इनकी? उम्र कितनी नहीं, इनकी उम्र कितनी होगी लगभग, इनकी उम्र कितनी होगी, कितनी उम्र होगी? नहीं 40 के करीब उम्र होगी। और ये देख सकते हैं आप, ये रानी जिसकी तीन लोगों ने मिलकर चाकू से गोद कर हत्या कर दी, और हत्यारे अभी फरार हैं, पुलिस कोशिश कर रही है उनको ढूंढने के। फांसी जगह होनी चाहिए इनको छोड़ने वक्त, फांसी होनी चाहिए। परिवार की मांग है कि इनको भी ऐसे
पकड़ कर उन्हें फांसी होनी चाहिए। तब देख सकते हैं कि परिवार में क्या हाल है, किस तरह से मातम छाया हुआ है पूरे परिवार में, रो रो कर बुरा हाल है और लोग बेहोश हो रहे हैं, इतना बड़ा सदमा लगा है परिवार को। हमारे साथ मृतिका रानी का लड़का है ललित, उससे बात करेंगे। ये उनके साथ ही रहता था, अपनी माँ के साथ ही रहता था, इससे बात करेंगे कि क्या हुआ था और क्या इसने देखा। कैसे आपको पता लगा, आप उस समय कहाँ थे? मैं उस समय अपना मार्शल आर्ट एकेडमी सीखने जाता हूँ, तो उस समय एकेडमी में था, तो हम बस पहुँचे थे। फिर उस समय घर से फ़ोन आया, हमारी जो पड़ोस में दीदी रहते हैं उनका, उनने कहा ललित तू अपने सर को लेके जल्दी से घर पे आ जा। हम घर पे आए तो मैं और सर ऊपर गए थे, तो देखा बेड से लेके बालकनी में पूरा ब्लड था, मम्मी बालकनी में गिरी हुई थी, खून मतलब चाकू वाकू के निशान थे। मैंने पूछा कौन करके गया था, दो तीन बार पूछा, नहीं बताया। फिर जब मैंने फिर बाद में एक और बार पूछा, फिर उसके बाद बताया कि गौरव करके गया। मैंने कि कौन सा गौरव, सुनपेट वाला जगह, हाँ वही था। तो उसके मैंने कि कौन कौन थे जगह, उसके साथ दो जने और थे। मैंने ठीक, फिर उसके बाद मैंने फ़ोन था मेरे हाथ में मम्मी का, मैंने फ़ोन लिया। सबसे पहले मैंने भैया को फ़ोन करा, भैया मम्मी को कोई चाकू वाकू मार गया है, आप जल्दी घर पे आ जाओ। फिर उसके बाद मैंने दीदी को फ़ोन करा, फिर दीदी मेरी घर पे आई, तो फिर जो हमारे पड़ोस में दीदी रहती हूँ उनके डैड ने फिर पुलिस को फ़ोन करा था। जब पुलिस आई थी तो उन्होंने अपनी दूसरी गाड़ी बुलाई थी जो उनको उसमें डाल के ले गए थे। फिर उसके बाद हम मैं और मौसी आई थी हमारी, मतलब वो सेक्टर 64 में रहते हैं, वो आई थी, तो उनके साथ फिर मैं गया था वहाँ पे। तो वहाँ पे ये बता रहे थे कि वहाँ पे अभी कोई दिख मतलब देखने नहीं दे रहे और अभी उनका ऑपरेशन चल रहा है। फिर बाद में पता चला कि उनकी डेथ हो गई। अच्छा, मतलब वहाँ से हॉस्पिटल ले गए थे तो वहाँ हॉस्पिटल में डेथ हो गई थी। ये बात जो आपने बताई है कि माँ बता रही थी कि गौरव था, ये आपने बता दी थी पुलिस को? हाँ, पुलिस को मैंने जो जो उन्होंने पूछा कौन था, किसका नाम लिया था, वो मैंने सारी चीज़ बता दी पुलिस को। हाँ, तो गौरव इससे पहले भी कभी आया था घर? नहीं, घर पे तो नहीं आया था, पर जब ये मतलब वारदात हुई थी उससे एक दिन पहले गौरव और उसके साथ दो लड़के वो घर के आसपास राउंड मार के गए थे उसमें। हाँ, देखा था ये, मैंने देखा था। मम्मी आंटी के यहाँ से आई थी, हमारी एक रजनी आंटी उनके यहाँ से, तो जब मम्मी भीतर जा रही थी तो मैंने उनको देखा था। फिर मैंने मम्मी को बताया, मैंने कि गौरव जीजा थी तो इधर घूम रहे हैं, जब कह रही घूमने दे, ऐसे ही घूम रहा होगा। अच्छा, ये जीजा लगते हैं गौरव? हाँ, हमारी दीदी के देवर। तो पहले से कोई ऐसी नहीं थी लड़ाई झगड़ा हो कुछ? कुछ नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन वहाँ से एक महिला को भी पकड़ा था जहाँ रह रहे हैं, उनसे हमारी लड़ाई भी पड़ी थी, तो हमने उनको मतलब मंदिर में उनके साथ हमारी बहस हो गई थी। तो इनकी खास रिश्तेदार लगते हैं जो ये गौरव हैं, तो फिर इनने मतलब ये खबर दी थी हमको, पता चले कि रीता जो माई है इनने खबर दी थी कि घर पे इस समय कोई नहीं है, आ जाओ ये पता। हाँ, तो मतलब उसने कोई धमकी हमकी भी दी थी पहले? क्या वार्निंग दी थी कि मैं तेरे को यहाँ पे रहने नहीं दूंगी, ये वार्निंग दी थी उन्होंने। तो अब पुलिस ने उस महिला को पकड़ लिया और वो अभी नहीं पकड़े? हाँ, वो अभी नहीं पकड़ गए, पुलिस ने रात 2 बजे उनको पकड़ा था महिला को। हाँ, तो देखेंगे आगे क्या कार्रवाई होती है इसमें। और गांव छायसे से हम इस समय थे उनके घर से रानी के, जोड़ेंगे आपको शहर के ऐसे और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।